रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, हमने जो बड़ा नंबर है उसको ग्रेटर भी कहते हैं, उसको हमने सर्कल करना है। जैसे 8 इज ग्रेटर देन 3, तो जिस तरफ एलिगेटर का मुंह खुला वो बड़ा नंबर होता है। तो ये आप देखें कि ये 3 नंबर है एलिगेटर ने हाथ में पकड़ा हुआ है, और छोटा सा है, और ये 9 नंबर है। अब वो उसको समझ नहीं आ रही कि कौन सा बड़ा है, वो सोच रहा है अपने दिमाग में। एक तरफ वो 3 को देखता है, एक तरफ 9 को देखता है। तो अब हम देखते हैं कि एलिगेटर क्या डिसाइड करता है। तो एलिगेटर जो है वो डिसाइड कर रहा है कि 9 जो है वो 3 से बड़ा है, इसीलिए वो खुश हो रहा है। तो इसी तरह आप आगे देखें, ये 5 एलिगेटर्स हैं और उस तरफ 3 है, तो 5 जो है वो बड़ा है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी बुक में क्या है। ये एक तोता है, ठीक है, एक पैरट। कितना प्यारा बनाया अल्लाह ताला ने, और मियाँ मिठू भी कहते हैं इसको, और मियाँ मिठू बातें भी करता है कि आपने कोई मियाँ मिठू पाला हुआ है। तो ये है एक मियाँ मिठू। तो हम एक को उर्दू में, हिंसों में ऐसे लिखते हैं, एक। अब इसके साथ आगे है 4 नंबर। तो ये हैं, ये कितने बर्ड्स बैठे हुए हैं, कितने पैरट्स बैठे हुए हैं शाख पे, 1 2 3 4। शाबाश, ये 4 पैरट्स बैठे हुए हैं, 1 2 3 4। तो हम लिखेंगे नंबर 4। अब आप सोच के बताएं कि 4 नंबर बड़ा है या 1 नंबर बड़ा है। इसका सीधा सा था, हमने पिछली दफा भी ये तरीका आजमाया था कि आप 1 ना लिखें और उसके नीचे 1 2 3 4 लाइनें और लगाएं सीधी। तो ये हो गया, जाहिर है कि 4 लाइनें ज्यादा हैं 1 की निस्बत, तो 4 जो है वो बड़ा नंबर है। जब भी आपने बिल्कुल ठीक सोचा। अब ये देखें, ये 8 सितारे हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, 2 लाइनें हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दीज आर 8 स्टार्स। तो अब 8 जो है हिंसों में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 स्टार्स हैं, और फिर आगे जो हैं वो हमारे पास 9 स्टार्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 लाइनें हैं, 3 स्टार्स की। तो हम जो है रात को आसमान पे तो ढेरों सितारे चमकते हैं, लेकिन यहाँ पे 9 स्टार्स हैं, 9 नंबर हम लिखेंगे। अब बताएं कि 8 नंबर बड़ा है या 9 नंबर बड़ा है। शाबाश, सोचें अपने दिमाग से। उसी तरह 8 लाइनें लगाएं और 9 लाइनें लगाएं, किस कौन सी लाइन्स ज़्यादा हैं। शाबाश, 9 लाइंस जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो 9 जो है वो बड़ा नंबर है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास 7 क्या चीज़ें हैं, ये काउंट करें। हमारे पास 7 बेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बेल्स हैं। आपको पता है ना, जब आपका पीरियड चेंज होता है स्कूल में, तो घंटी बजती है, घड़ी का अलार्म लगाते हैं तो उसकी घंटी भी बजती है। तो 7 जो है नंबर इस तरह से लिखते हैं। आगे हमारे पास हैं 2 या 2 बेल्स। तो ये 1 और 2, तो आप 7 लाइनें लगाएं, उसके नीचे 2 लाइनें लगाएं, तो कौन सी लाइनें ज़्यादा हैं। शाबाश, आप जो है, हम जो है 7 इज ग्रेटर देन 2, आपने भी यही सोचा है ना। चलें आप चेक कर लेते हैं अपनी कॉपी पे, जो आपने लाइंस लगाई हैं उसको चेक करें। ऐसे ऊपर जो है वो 7 लाइंस लगाएं और नीचे 2, तो देखें आपको 7 जो है वो नंबर इज ग्रेटर देन 2। तो हम लिखेंगे 7 के गिर्द दायरा लगाएंगे कि 7 इज ग्रेटर देन 2। अब ये आप देख रहे हैं कि ये 4 पौधे हैं, 1 2 3 4, देर आर 4 ट्रीज, दरख्त हैं छोटे छोटे, इनको ट्री कहते हैं। तो 4 ट्रीज हैं, तो 4 को इस तरह से लिखेंगे। और फिर उसके बाद अगला नंबर है 8 का, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रीन ट्रीज हैं। 8 को कहते हैं, सब्ज रंग को ग्रीन कहते हैं, दरख्त को ट्री कहते हैं। तो ये हैं 8 ट्रीज। तो ये 8 या 8 नंबर लिखा हुआ है। तो आप उसी तरह पहले 4 लाइनें लगाएं, उसके नीचे 8 लाइनें लगाएं, और फिर देखें कि कौन सी लाइन ज़्यादा हैं, मैच करते जाएं और किस नंबर की ज़्यादा बच जाएंगी। शाबाश, तो हमने देखा कि हमारा नंबर जो है 8 वो बड़ा नंबर है। तो आप अपनी कापी में 8 के गिर्द दायरा खींचें।
तो हमें सोच समझ के काम करना है, हमें बोलते हुए भी सोचना चाहिए कि जो मेरे मुंह से लफ्ज निकल रहा है वो ट्रू है, सच है, हेल्पफुल है, दूसरों के लिए फायदेमंद है, इंस्पायरिंग, दूसरों की हौसला अफजाई करता है, ज़रूरी है और नरम अल्फाज हैं, मेहरबानी वाले हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हमें अपनी ज़बान को बंद रखना चाहिए। तो ये अलामा इकबाल का एक शेर है, सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो हम लीडर बनना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले खुद सच्चा बनना है, अदल से काम लेना है और फिर शुजात। तो पाकिस्तान होम स्कूल की तरफ से ये वीडियो पेश की गई है। यूट्यूब चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर।